चलो जल्दी सब लोग पूरा घर छान मारो जल्दी जाओ। ए, जाकर हर एक रूम में देखो। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? हम टास्क फोर्स पुलिस से हैं। हमें परमिशन की जरूरत नहीं। यहाँ भार्गव कौन है? मैं हूँ। इज्जत से बात करो। इज्जत से बात करूँ? ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे भाई ने क्या किया? कॉलेज में मुमताज नाम की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। उसने मना किया तो उसके चेहरे पे एसिड फेंकने की धमकी दे रहा। आप झूठ बोल रहे हैं। हर गुनहगार यही कहता है। भैया भार्गव को पुलिस ले जा रही है। भैया हाथ उठाए तो भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। शादी में आए अपने चाचा के बेटों के लिए आप पुलिस से पंगा ले रहे हैं। अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी तो क्या ये लोग आपको बचाने के लिए आएंगे? शादी में आए थे और बेशर्मों की तरह 10 दिन से हमारे घर में ही पड़े हैं और आप इनके लिए किसे बेशर्म कहा? किसे बेशर्म कहा इन लोगों को? ये मेरे भाई हैं, ये सब के सब मेरे भाई हैं। खून का रिश्ता है मेरा इनके साथ। सिर्फ ये अकेला नहीं, ये 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 भी, ये सब के सब मेरे भाई हैं, मेरे सगे भाई। ये 6 के 6 आपके सगे भाई हैं? हाँ, अपने ही घर में परायों की तरह रह रहे हैं सारे। हर पल नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब है मेरी दीदी और मुझसे झूठ बोलकर शादी की थी। एक ही माँ से पैदा हुए 6 भाइयों को जो अपने चाचा का बेटा बता सकता है, वो क्या तुमसे झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकता? ए, इस परिवार की सच्चाई बाहर निकालने के लिए मैंने ये ड्रामा किया था। आउट। परसों रोटरी क्लब में सिस्टर को बात करते हुए सुना। कैसी है मैरिड लाइफ? सब ठीक है ना? I'm so happy. जैसा सोचा था वैसा ही पाया, एक वो और उनका इकलौता भाई। सिस्टर अपनी सहेली से बात कर रही थी कि इनके हस्बैंड का एक ही भाई है। हकीकत तो मुझे पता थी, तुमने शादी में नहीं बुलाया, मैं नहीं आया। अगर आता तो तभी ये गिफ्ट दे देता, पर कोई बात नहीं। कैसा लगा गिफ्ट? मंजू, मंजू,
मंजू मेरी बात तो सुनो, जल्दबाजी में फैसला मत करो। एक बार मेरी बात सुनो मंजू, उसके बाद में। अब सुनने को बचा ही क्या है, मैं जा रही हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो कैन आई ड्रॉप यू होम? तूने साबित कर दिया कि तू मेरा बेटा है। खाएगी तो बछड़ा भी घास खाएगा ना सर। भाइयों को अलग किया होता तो वो कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकते, लेकिन तुमने पति पत्नी को ही अलग कर दिया। और इस तरह राम और सीता को अलग करने की वजह से रावण का वध कर दिया गया। ये लाइन तुम्हें अभी पढ़नी थी। आकाशवाणी जरूरत पड़ने पर ही सुनाई देती है सर। तू तेरी वाणी बंद कर, गुस्सा जरा कम कर। ऐसा मैंने तुझे कितनी बार समझाया पर तू समझता ही नहीं। कभी कभी बादल गरजता है तो बारिश होने से रुक जाती है, लेकिन एक बार तेरा गुस्सा शुरू हो गया तो तेरा हाथ रुकता ही नहीं। उसे यहाँ आकर 4 दिन नहीं हुए और अपने मायके चली गई। हमने उसे मनाने की कितनी कोशिश की, फिर भी वो चली गई ना। सच पता चलने के बाद उसे तो जाना ही था, नहीं तो क्या रुकती वो। लेकिन सच को कितने दिन छुपा सकते हैं? हाँ ये बात सच है, माना कि सच को छुपाना हमारी गलती थी, लेकिन बाहर तुम्हें उस पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। अगर मेरे भाइयों पर कोई मुसीबत आती है तो बीवी दुनियादारी मेरी समझ में नहीं आती। जो हो गया उसके बारे में सोचकर क्या होने वाला है, अब आगे क्या करना है? इसने उसका दिल दुखाया है तो उसको मनाकर घर वापस लाना भी इसकी जिम्मेदारी है, और ये जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। बीच सड़क पर किसी को मारना पीटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी से माफी मांगना उसे मनाना बहुत बड़ी बात है। भैया आप जाओ ना, वो गुस्से में गई हैं। आप जाओगे तो जरूर मान जाएगी। हाँ भैया, आपके अलावा भाभी को कोई नहीं समझा सकता, सच कह रहा हूँ। अरे झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, लेकिन झगड़े की वजह से जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू जा उसको मना। मंजू चलो घर चलते हैं। क्यों वापस जाएगी? फिर से 4 लोगों के बीच मार खाने के लिए जाएगी या फिर तुम्हारे हाथों धोखा खाने? मैंने जो किया गलत था, लेकिन मेरी बीवी मुझे माफ करेगी। अनजाने में हुई गलती को कोई भी माफ कर सकता है, लेकिन जानबूझकर दिए गए धोखे को कोई माफ नहीं कर सकता। धोखा देना ना ही मेरी आदत है ना ही मेरी फितरत। मैं मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूं। मंजू मुझे पसंद थी, मगर आपकी शर्त ने हमें झूठ बोलने पर मजबूर किया। सच्चाई बताने के लिए मंजू को मैंने बुद्ध प्रतिमा के पास मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मंजू को देखते ही मैं अपने आप को भूल गया। किसी लड़की को धोखा देने का मतलब है उसे इस्तेमाल करके छोड़ देना। जिससे प्यार किया उसी से मैंने शादी की, इसका मतलब अगले 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया है मैंने। तो फिर आप ही बताइए ये धोखा कैसे हुआ? लॉयर से मिलकर आ रहे हो, बहुत लॉजिकली बात कर रहे हो। सच्चे प्यार के लिए मैंने अपने उसूलों से समझौता किया। मंजू मैंने तुमसे झूठ कहा ये सच है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये भी सच है। मेरे भाई मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, उसी तरह तुम भी मेरे लिए प्यारी हो। मंजू तुमने अपनी बहन की छत्रछाया में रहकर दुख को महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने उसी दुख को सीढ़ियां बनाकर यहाँ तक सफर किया। जिंदगी में हम जो नहीं सोचते वही हमारे साथ होता है, लेकिन इस तरह की बातों को दिमाग में रखकर परिवार खड़ा नहीं होता। जो हुआ उसे भूलकर मेरे साथ चलो मंजू, प्लीज चलो घर चलें। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब आप चाहती हैं आपकी बहन जिंदगी भर आपके साथ रहे? कौन सी बहन ऐसा चाहेगी? मैं इसे तुम्हारे साथ भेज सकती हूँ, लेकिन वन कंडीशन। कौन सी? जिस झूठ को बोलकर तुमने मेरी बहन से शादी की है उस झूठ को तुम्हें सच करना होगा। समझ में नहीं आया? तुमने कहा था तुम्हारा एक ही भाई है, तो उसी एक भाई को अपने साथ रखो तो ही मेरी बहन तुम्हारे साथ जाएगी। तो मेरे बाकी के भाई? सिटी में बहुत बॉयज हॉस्टल्स हैं, इतने अनाथ आश्रम हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएंगे। मिसेस नंदिनी, संस्कार को भूल कर बात कर रही हैं। अपनी खुद की समस्याएं सुलझाने के बजाय अपने पति का घर छोड़कर आई और अपनी जिंदगी की तरह अपनी बहन की जिंदगी बनाना चाहती हैं। हाँ उस परिवार में तुम्हारे साथ जो हुआ वैसा हर परिवार में हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। परिवार का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी मिलकर हर वक्त एंजॉय करते रहे। दादा दादी नाना नानी माँ बाप भाई बहन चाचा चाची बच्चे जब एक घर में मिलकर निस्वार्थ एक दूसरे के लिए जीते हैं तो परिवार बनता है। और आज भी दुनिया में ऐसे परिवार हैं जिन लोगों की वजह से संस्कार और समाज आज भी बने हुए हैं।
वरना इस दुनिया से पति और पत्नी का संबंध कब का खत्म हो चुका होता। वरना बेमतलब के रिश्ते, नाजायज औलादें, लावारिस लाशें, इन सबसे समाज भर गया होता। मंजू, ठंडे दिमाग से सोचो कि अपने पति की बात मानकर अपना घर संसार बचाओगी या फिर अपनी दीदी की बात मानकर जिंदगी भर यहीं रहोगी। लेकिन ये समझ लो कि मैं अपनी बीवी के लिए अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर कभी हालात ऐसे हुए कि किसी की बातों में आकर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जब तुम्हारा मन बदल जाए तो उस घर में चली आना, मगर तुम्हें लेने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। भाभी कहाँ है भैया? भाभी पीछे से आ रही है। बड़ी भाभी के साथ आ रही है क्या? मुझे गिल्टी फील हो रहा है क्या? कहिए ना भैया, अगर ऐसा है तो करके। ए, आज के बाद इस घर में भाभी का जिक्र कोई नहीं करेगा। बीती रात का सपना था जो टूट गया। लेकिन भैया, ए, बोला ना बात नहीं करना। अरे बोल तो क्या हुआ? चाचा जी, फसल कैसे उगानी चाहिए और उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, ये बात किसी को समझा सकते हैं, लेकिन किसी के साथ जिंदगी कैसे बिताई जाए, मैं ये किसी को नहीं सिखा सकता। भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, तो मैं ही जाकर उनके पैर पकड़ कर लाता हूँ। जब उस औरत को उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र नहीं दिखाई दे रहा तो पैरों में पड़े हुए तुम्हारे आंसू क्या खाक नजर आएंगे? मतलब भाभी कभी इस घर में नहीं आएगी? सुबह का सूरज कब उगने वाला है ये हम कह सकते हैं, शाम का सूरज कब ढलने वाला है ये भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में जो एक भूचाल छोड़ गई है वो कब आएगी ये कहना मेरे लिए इस वक्त नामुमकिन है। जो भी हुआ उसे भूलकर तुम सब अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तू ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इतने अच्छे पति को ऐसे छोड़ सकता है? भाइयों के साथ मिलकर रहना कौन सा गुनाह है? मैंने अपनी बहन की तकलीफ महसूस की है, इन हाथों से उनके आंसू पोंछे हैं। वो तकलीफ मैं दोबारा नहीं देख सकती। मेरी दीदी सही है ये नहीं कहती, लेकिन वो तकलीफ मैं नहीं सह सकती। एक फैमिली मतलब मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा।